हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोरोहित। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको रिलायंस जियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हमारे फ्री ऑफर के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और बताऊंगा कि हमें मुकेश अंबानी जी का किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं पहले बता देता हूँ कि रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल पर केस किए हैं कि इन तीनों की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को 400 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, जिसमें 400 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के कारण हमें 400 रुपये के इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। तो मैं आज इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो जहाँ तक बात है अक्टूबर से दिसंबर के महीने तक, 3 महीने के बीच, तो एयरटेल ने जो कि इंडियन गवर्नमेंट को दिया था वो था 1100 करोड़ रुपीज़। जी, 1100 करोड़ रुपीज़ एयरटेल ने इंडियन गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जनवरी से लेकर मार्च तक सिर्फ 950 करोड़ रुपीज़ दिए। जी हाँ, सिर्फ 950 करोड़ रुपीज़ दिए, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक उन्होंने 1100 करोड़ रुपीज़ दिए थे, लेकिन जनवरी से मार्च तक सिर्फ 950 करोड़ रुपीज़ दिए थे। मतलब 150 करोड़ रुपीज़ का नुकसान कम दिए, मतलब कम दिए 150 करोड़ रुपीज़। तो ये 150 रुपीज़ कहाँ गए, 150 करोड़ रुपीज़? तो ये तो अभी एयरटेल ने पूरी तरह से क्लियर नहीं की गई, लेकिन उससे अधिक देना चाहिए, बट उसे ये कम ही दिया है। और जहाँ वोडाफोन की बात करें, तो वोडाफोन ने जहाँ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 750 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को दिए थे, जी हाँ, 750 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट को दिए थे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, लेकिन जनवरी से लेकर मार्च तक सिर्फ 550 करोड़ रुपीज़ ही दिए गए, सिर्फ 550 करोड़ रुपीज़ ही दिए गए, मतलब 200 करोड़ कम दिए गए। तो ये देखते हैं कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि कहाँ से ये दिए, कहाँ गए हमारे 200 रुपये, जबकि आपको हर 3 महीने के बाद थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को, बट यहाँ पर ये तीनों ऑपरेटर कम पैसा दे रहे हैं। अगर आइडिया की बात करें तो आइडिया अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच 610 करोड़ रुपये दिए थे, जी हाँ, 610 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन जनवरी से लेके मार्च तक सिर्फ 70 करोड़ रुपीज़ दिए। जी हाँ, आइडिया ने सिर्फ 609 करोड़ रुपये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक दी थी, लेकिन जनवरी से लेके मार्च तक सिर्फ इन्होंने 70 करोड़ रुपये कम दिए। तो पता नहीं ये लोग इतने रुपये क्यों कम दिए, जबकि इससे ज़्यादा देना चाहिए था, लेकिन इससे कारण जियो ने इसके आरोप लगाए कि ये टोटली 400 रुपये का नुकसान इंडियन गवर्नमेंट को हो रहा है। तो मुकेश अंबानी जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आप सोशल साइट में जाइए, जियो के बारे में अच्छे अच्छे बातें लिखिए और एयरटेल वगैरह को डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसको सपोर्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ, मैं इस ऑपरेटर को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि मैं किस ऑपरेटर का सपोर्ट कर रहा हूँ। हमें जियो के लिए सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जियो हमें इतना कुछ फ्री दे रहा है। जब से जियो आया है, तब से सारी कंपनी अपने प्लान काफ़ी कम कर दिए, ये सब जियो के आने के बाद हुआ है, तो हमें जियो को ऑब्वियसली सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी जियो यूजर्स हैं वो तक ये वीडियो पहुंच सके। लगभग आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस, एंड प्लीज़ इसी तरह से टेक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।